मेघाल पटेल, मेरे साथ है अर्शिन, और आज हम कुछ बच्चों के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं, वो इसलिए ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। और प्लीज़ आप भी ये वीडियो देखिए, आपके बच्चों को भी दिखाइए ताकि वो अपनी खुद की रक्षा सुरक्षा कर सके। तो वो कुछ ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स है, मैं वीडियो में आप बताते रहूँगा, तो आप उसको देखिए और अपने बच्चों को भी दिखाइए ताकि वो अपनी रक्षा करे। और मैं अर्चिन के साथ बताता हूँ कि वो टेक्निक है क्या और उसे किस तरीके से करना चाहिए और प्रैक्टिस किस तरीके से करना चाहिए। अगर समझो छोटी सी बच्ची है, रास्ते में जा रही है, कोई किसी का मुंह दबा रहा है, और समझो एक बड़ा आदमी है मेरे जैसा भारी भरकम, और उसको वो किस तरीके से ज़मीन पे गिराती है, तो आज हम यही सीखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे वीडियोस में अलग अलग सीखेंगे। तो संजय अर्शिन इस तरीके से हैं, और कोई पीछे से आता है, पीछे से आने के बाद जैसे कि इनका कोई इस तरीके से गला पकड़ता है या मुंह पकड़ता है, इस तरीके से पकड़ता है, तो वो बच्ची करे कैसा, उस आदमी को ज़मीन पे किस तरीके से गिराएगी और अपनी हेल्प, जैसे आजू बाजू में कोई खड़ा है, कोई बड़ा बंदा है, वहाँ से भागना है, फिर अपनी सुरक्षा के लिए किसी बड़े को बोलना है कि प्लीज़ मेरे साथ इस तरीके से कुछ होए तो आप प्लीज़ मेरा हेल्प करिए। तो लेकिन उस वक्त वो अपनी रक्षा किस तरीके से करेगी, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं। जैसे बच्ची है, मैंने यहाँ से इसका फेस पकड़ा इस तरीके से, और ये अपने आप को कैसे बचाएगी देखिए, इस तरीके से। देखिए छोटी सी बच्ची है, भारी भरकम आदमी को भी ज़मीन पे गिरा सकती है। तो आप ये मत सोचिए कि छोटी सी बच्ची है, बड़ा आदमी है, वो उसकी रक्षा कैसे कर सकती है, उसे ज़मीन पे कैसे गिरा सकती है। तो देखिए बहुत से ऐसी टेक्निक्स हैं, आप प्लीज़ ये वीडियो उनको ज़रूर बताना ताकि वो सीखे। तो मैं एक बार अश्विन को खुद बोलूँगा कि वो वापस से करे, अब वापस से करके दिखाए, कोई बात नहीं, अब ज़ोर से करोगे, अगर मैं गिरता भी हूँ, मुझे छोटी सी लग भी जाती है वीडियो बनाने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि ये वीडियो देखे और लोग सीखे। चलिए चलिए, जैसे मैं जैसे इस पर फेस पकड़ा था, जैसे मैंने गला पकड़ा या इस तरीके से किस तरीके से पकड़ा हूँ, अगर समझो मैं इस तरीके से पकड़ता हूँ या इस तरीके से पकड़ता हूँ, तो सामने वाली बच्ची अपनी रक्षा कैसे तैयार करेगी। बच्ची ने मुझे गिरा दिया, देखिए बच्ची मुझे हम सीख रहे हैं, इसके लिए मुझे कुछ हेल्प कर रही उठाने के लिए। लेकिन सामने वाला बंदा अगर आपको इस तरीके से गिराता है, यार आप सामने वाले गिरा देते हैं, तो आप वहाँ पर उसकी हेल्प वगैरह नहीं करना है, वहाँ से आपको निकलना है और अपनी सुरक्षा करना है। तो छोटी सी टेक्निक्स थी, मुझे यकीन है वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ सारे पेरेंट्स से कि वीडियो ज़रूर देखें और अपने घर में अपने जो बच्चे हैं उनको भी दिखाएं ताकि वो सीखें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं बहुत सारी वीडियो बच्चों के लिए भी बना सकूँ। बड़ों के लिए तो आप देखो मैं बनाता ही हूँ, वो मार्शल आर्ट्स के बारे में, तो यकीन है कि बच्चे देखेंगे सीखेंगे। और आपके आजू बाजू में कोई मार्शल आर्ट क्लासेस है, कराटे क्लासेस है, बॉक्सिंग क्लासेस, बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं, तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर भेजिए और उनको ज़रूर सिखाइए ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। तो ये वीडियो बनाना मैं इसके लिए ज़रूरी समझा ताकि ये मैसेज आप तक पहुँचे, और आप उनको प्लीज़ अपनी रक्षा के लिए मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अर्शिन के साथ, वापस से।